हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए अपना वेबसाइट starkstudy.com में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो टू का गद खंड प्रीवियस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। आप लोगों का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले जो भी बच्चे वन चैप्टर का और टू चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कितना भीविया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मोस्ट एग्ज़ाम के लिए वो साबित हो जाएगा। तो चलिए, हिंदी के अलावे और भी क्वेश्चन आप लोग मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, मॉडल सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग के लिए लिंक है starkstudy.com। आप लोग डायरेक्ट गूगल पे या YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं starkstudy.com और देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग करते हैं थर्ड चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, कुछ चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांति किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू का बी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थ्री नंबर, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्सियो मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फाइव नंबर, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत का। सॉरी, यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, ए के बाद बी होगा, इसके बाद सी होगा, फिर डी होगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर। तो सेवन नंबर है इस चैप्टर का आप लोगों के लिए, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, जनरल कर्निंगहम का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरातत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर आप लोगों के लिए, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में, यानी बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मुलर मोस्ट विविया क्वेश्चन है आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए, कि भारत से हम क्या सीखे का जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है, मैक्स मुलर जी है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, डी वंश विद्या का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था, तो क्या था ये, भारत का गवर्नर जनरल था, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दाढ़ीस क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का का नाम क्या था, दाढ़ीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्लूटो का संबंध किस देश से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, शाहनामा का रचनाकार
कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 17 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का डी, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नीय शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इग्रीस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1700। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है, यानी किसके द्वारा यह कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कालिदास के, जिन्हें कहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए सी, मैक्स मुलर जी को कहे हैं। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मैक्स मुलर ने 22 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का आप लोगों के लिए डी, 18 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जरयूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 25 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को रोकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें टोटल आप लोगों के लिए 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेसाउ जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलहेल्म मुलर। आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं एक ही पार्ट में डाल दी हूँ ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार में पढ़ सके। तो चलिए हम लोग आए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन प्राचीनतम भाषा है, यानी प्राचीनतम भाषा किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। मोस्ट भिविया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, यह एक भाषण का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर,
मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, प्लूटो और कांट थे महान कवि थे कि दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे? तो फोर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार के दार्शनिक थे। तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में मोस्ट 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो भी बचे वन और टू चैप्टर का वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे विवेक क्वेश्चन बताई हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते तो आप अपने starkstudy.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम ऑल स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी कीजिए लॉकडाउन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट। हाँ, बाप रे बाप, पानी लीजिए पानी। बोलते बोलते ना क्वेश्चन है ना। बोलने का प्रैक्टिस छूट रहा धीरे धीरे। सब दिन बोलेंगे तब कंटिन्यू रहेगा, बीच में छोड़ देते हैं, दिक्कत हो जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वह एक डेड सेल है। अनैतिक अनैच्छिक क्रिया, पलक का झपकना, नाखून
हाँ।